शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के कुशल नेतृत्व व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम व क्षेत्राधिकारी पुवायन नवनीत कुमार नायक के कुशल निर्देशन में गठित टीम के सदस्य खुटार थाना अध्यक्ष जय शंकर सिंह, उप निरीक्षक रतिराम सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, द्रिवेंद्र सिंह में हमरा फोर्स के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन के चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय गांजा तस्कर गिरोह के सरगना सहित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों में अमरेश सिंह यादव, किशन यादव, राधेश श्याम राव, शिवम वर्मा, दीपक यादव, ब्रजेश यादव, रामतेज सिंह, सूबेदार कश्यप, रामजीत वर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार रावत, रितेश जायसवाल, सभी निवासीगण बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में उपयुक्त महिंद्रा के यूवी 100 वाहन व लगभग 1 क्विंटल 30 किलोग्राम गांजा तथा 15 किलो भांग, 11 अदर मोबाइल फोन के साथ घटना नदी के पुल के पास गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 50 लाख बताई जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ NDP एक्ट मुकदमे में पंजीकृत कर न्यायालय में रवाना किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरोह का सरगना साथ में काम करने वाले अपने साथियों को उनके काम के अनुसार 7 से 12 हजार रुपए सैलरी देता था। उन्होंने अपनी ओर से खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। शाहजहाँपुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। गैंग है, संगठित आपराधिक गिरोह है जो यहाँ इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी करके यहाँ लाके उसका विक्रय करता है। इसका जो यहाँ का जो सरगना है उसका नाम रितेश जायसवाल है, जो गिरफ्तार हुआ है, और इसके साथ में इसके 11 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। ये बेसिकली एक मुखबिर की सूचना थी, इस पर ये कार्रवाई की है। इसको हमारे SPRA श्रीमती अपर्णा गौतम, इन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली इस ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हुए इसमें कामयाबी दिलाई, और इनको ये सूचना मिली थी कि वहाँ जो थाना खुटार क्षेत्र में कटना नदी का पुल है, जिसके नीचे ये लोग इस तरह का काम करते हैं, जहाँ थोड़ा सा आड़ मिल जाता है और एकांत का जगह है वो, तो ये वहाँ भांग और गांजा ये लोग लाते हैं बाहर से। और उल्लेखनीय बात यह है कि ये सारे जो 12 लोग हैं, सभी जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं, और वहाँ से ये गांजा प्रोक्योर करके लाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसको मिक्स करते हैं, कुछ केमिकल भी मिलाते हैं, उसकी पैकेटिंग करते हैं छोटी छोटी, और उसके बाद फिर ये इन 11 जो इसके साथी हैं, ये 11 लोग इसको विभिन्न भांग के जो सरकारी भांग के ठेके दुकानें हैं उनसे इनका लाइजनिंग है, वहाँ पर ये ले जाके रोज़ उसको बेच देते हैं या जब भी इनकी खेप आती है, और उसके बाद फिर उसका हिसाब है। इनके साथ में जो और लोग पकड़े गए जो